हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी कुजीन। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा मसाला, जिसे हम बिना प्याज और लहसुन के बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कुकर में हम रात भर भीगा हुआ 1 कप राजमा लेंगे और राजमा के ऊपर तक पानी डालकर इसे उबलने के लिए 4-5 सीटियों तक रख देंगे। देखिए, हमारा राजमा उबल चुका है। अब चलिए शुरुआत करते हैं मसालों की तरफ, जिसके लिए हमें कढ़ाई में 2 सूखी लाल मिर्च, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 तेज़पत्ता, 5 काली मिर्च और साबुत ज़ीरा लेंगे। मेरे पास साबुत धनिया नहीं है, इसलिए मैंने धनिया नहीं ली। थोड़ी सी सौंफ और 2 दालचीनी की स्टिक लेकर हम इन्हें अच्छी तरह से भूंज लेंगे। मैं धनिया पाउडर बाद में यूज़ करूँगी। इन मसालों को अच्छी खुशबू आने तक हमें भूंजना है। देखिए, अब मसालों से खुशबू आने लगी है। ये जो धुआं दिख रहा है, इसका मतलब मसाले हमारे भुंज रहे हैं। अब हम इन्हें गैस से उतारकर मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च के साथ 2 चम्मच पानी डालकर इसे पेस्ट बना लेंगे। आइए, अब कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गरम करते हैं अपने गरम मसाले भूनने के लिए। अब इसमें हम 1 तेज़पत्ता और जो हमने पेस्ट बनाया है मसालों का, वो पेस्ट डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भूनते रहेंगे। इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक ये साइड से तेल ना छोड़ने लगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाले जल ना जाएं। देखिए, हमारे मसाले तेल छोड़ने लगे हैं। अब इसमें 2 बड़े टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे हम। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, जो मैंने पहले नहीं लिया था, तो मैं धनिया पाउडर यहाँ यूज़ कर रही हूँ, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे ढककर हम किनारों से तेल छोड़ने तक पका लेंगे। बीच में चला देंगे ताकि मसाले जले नहीं। देखिए, हमारा मसाला हो गया है। इसके किनारों से तेल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें राजमा ऐड करेंगे। हम राजमा का पानी बचा कर रख लेंगे, अभी सिर्फ राजमा ऐड करेंगे। चलिए, अब इसे 1 मिनट तक भून लेते हैं। एक मिनट हो चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने राजमा का जो पानी बचा हुआ है वो डाला है, और सादा पानी भी डाला है, जिसके हिसाब से हम अपने पानी की और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। मैंने एक यहाँ पे आधा ग्लास पानी डाला है। इसे उबालने के लिए छोड़ देंगे।
देखिए हमारा राजमा उबल चुका है। अभी मेरा राजमा थोड़ा पतला दिख रहा है क्योंकि राजमा ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसकी गैस अभी बंद कर दूँगी और इसे ऐसा ही छोड़ दूँगी। हमारा राजमा तैयार है, इसे गर्मा गर्म चावल रोटी या नान के साथ परोसिए। मेरी रेसिपीज अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।